पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा मुकाबला ही नहीं किसी से। मैडम इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि और हम भाजपा की सीट को खदेड़ देंगे। 23 मई को पता चल जाएगा। कहने में करने में जमीन आसमान का अंतर होता। हम कहते नहीं है, काम करते हैं। ना हम भाषणों पर विश्वास करते हैं, हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। क्या स्थिति रहेगी फिर बताना, 23 मई को पता चल जाए क्या स्थिति किसकी। चुनाव में पूरी तरह से हम सब तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारा संगठन तैयार है। हम 28 तारीख से लगातार क्षेत्र में हैं। रोड शो के बाद हम लोगों ने लगातार गांव-गांव जनसंपर्क किया है, शहर में जनसंपर्क किया है और बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस के लिए, राहुल जी की नीतियों के लिए मुरादाबाद पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से एक अभी अब तक लगातार विरोध सामने आ रहा था आपका भी, उसे किस तरह से फेस कर। मुझे लगता है आज जो सभा थी उसके विजुअल आपको देखने चाहिए, उसके बाद ये सवाल आपका नगण्य हो जाता है। किस तरह से उन्हें मनाने का प्रयास किया। मैं बेटा हूँ, मैं 31 साल का हूँ। जाहिर सी बात है, अगर किसी बुजुर्ग के दिल में मलाल है तो मैं जाऊंगा, गले से लगाऊंगा और 2 शेर सुनाऊंगा। आज देश के ऊपर सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, देश की एकता अखंडता को खतरा है। देश के अंदर जुमलेबाज लोग, झूठ और फरेब की बातें करने वाले लोग, जिन्होंने हमारे देश की भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाकर, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, वो सब झूठ बोल बोल कर उन्होंने वोट हासिल किया। देखिए, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हो, प्रियंका गांधी जी हो, देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वहाँ पे इन शख्सियतों का कोई मतलब नहीं हुआ करता। हमें अपने आगे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को देखना है। हम सब और हमारी आवाम ये जानती है कि हमें बटना नहीं है। अगर हम बट गए, जिसकी कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, तो उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आवाम ने तो ये तय कर रखा है कि हमें बग़ैर बटे इन लोगों को हराना है। जो भी इन लोगों को हराएगा, आवाम उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 31.8% पे आई थी और 7-8 राज्यों ने मिलकर इस सरकार को बनाया था। हर राज्य में पहले से कमी आ रहे हैं और जो वायदे थे ना पूरे करने की वजह से, वायदा खिलाफी की वजह से कम इनका 3 या 4% वोट कम हो रहा है, यानी 27-28% के आसपास आएंगे। तो एक चीज़ तय है, 23 तारीख को भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का जाना तय है और विकल्प के रूप में प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का आना तय है। ये दो बातें साफ। उनसे तो मैं समझता हूँ महंगाई भी नहीं डरती, उनसे तो मेरे ख्याल से भाजपा में भी कोई नहीं डरता, तो कांग्रेसी को तो डरा नहीं पाई अंग्रेजी हुकूमत, ये सर्वेश जी या फिर भाजपा क्या डराएगी। सर, किस रणनीति के तहत मुरादाबाद का चुनाव होगा? एक तरफ सपा बसपा गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है, तो किस तरह से मानते हैं आप? बड़ी सीधी सी बात है, ये पार्लियामेंट की लड़ाई है, राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, क्षेत्रीय गठबंधन अपनी जगह है, पर लड़ाई सीधी कांग्रेस बनाम बीजेपी है। वो बहुत बड़े बाहुबली हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर सकते हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, हम इस तरह की बेहुदा बातें नहीं करते। सर, इसके अलावा भाजपा लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि जो दूसरी जगह से चुनाव जो लड़ रहा है वो जाति समीकरण के आधार पर, सिर्फ एक वर्ग को देखते हुए वोट लगा। उनको ध्यान भूल गया शायद, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है जनता का रुझान है, ये चुनाव दिल्ली के लिए है, ये चुनाव विधानसभा का नहीं है कि कौन किस पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी जीत कर सामने आती, बल्कि ये चुनाव है राष्ट्रीय सरकार के लिए कि दिल्ली में सरकार किसकी बने। और यहाँ मुरादाबाद का जो वोटर है वो बहुत ही अपने आप में मैं कहूँगा कि समझदार है, और इमरान प्रतापगढ़ी एक नौजवान शायर हैं, एक नौजवान चेहरा है, जिसको लेकर जो है हम सब बहुत आश्वस्त हैं कि यहाँ पर यहाँ के लोग, मुरादाबाद के लोग उनको बहुत प्यार करेंगे और अपनी दुआओं के साथ में उसको वहाँ संसद में पहुँचाएंगे। कि इस प्रत्याशी को बदला जाए, ये प्रत्याशी किसी भी तरीके से किसी भी मायनों में कांग्रेस के लिए फिट प्रत्याशी नहीं है। हमने उसका विरोध किया, विरोध करने के बाद हमारा विरोध ये था कि इसे बदला जाए। हमने कोई राहुल गांधी जी का या कांग्रेस कमेटी का विरोध नहीं किया। लोग एक गलत बात पैदा करते हैं, हमने इस प्रत्याशी का विरोध किया और इस प्रत्याशी का विरोध हम आज भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में इस के प्रत्याशी द्वारा किसी को, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ,
या हमारे व्यापार के कोष्ठ अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों या NSY के हों या PCC सदस्य हों, पूर्व PCC सदस्य हों, किसी से भी ये नहीं कहा गया कि आप रोड शो में आइए। और उसी का नतीजा ये हुआ, आज कांग्रेस की जो खजियत हुई है रोड शो में, वो शायद आम जनता को जो हमारी छवि होनी चाहिए कांग्रेस की, वो छवि धूमी हुई है। मेरा कमान टिकट बदलने से अगर इनकार करता है तो मैं ही नहीं, मुरादाबाद के हजारों हजार कार्यकर्ता शिथिल होकर घर बैठ जाएंगे, चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, घर पर बैठ जाएंगे, कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसका चुनाव नहीं लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इस बार पुनः 2019 के लिए लोकसभा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जी द्वारा आज इसका बदबू आ रही है। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जी द्वारा थोड़ी सी आईडी तो आज बहुत भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया गया है और कल से अब मोदी 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 है तो मुमकिन है। इमरान साहब का दोष हुआ हमें तो नहीं मालूम इसके बारे में, क्योंकि हमें सुबह 9:30 बजे फ़ोन आया कि भी उनका इमरान साहब का रोड शो है और तब हमें पता चला, वरना तो हमें पता नहीं चला। कांग्रेस को इतनी मतलब कमज़ोर तो है नहीं कि रोड शो हो, प्रत्याशी का और भीड़ ना हो। पार्टी के सदस्य हैं आप, कैसा लगता है इमरान सिंह जी को का टिकट हुआ है? नहीं, हम इस बात से बिल्कुल ही मतलब खुश नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भी कोई बाहरी व्यक्ति आए जो हमारे कांग्रेस के जितने भी पुराने लीडर हैं या जो तनबंधन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको छोड़कर और आप बाहरी व्यक्ति को लाके हमारे ऊपर लात दें, थूक दें, तो ये चीज़ सही नहीं। मैं क्या लगता है अगर अगर हाईकमान का अगर बदलाव हुआ टिकट में तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे प्रत्याशी को क्या? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी जो है अब कार्यकर्ताओं की सुन रही है, मुझे नहीं सुन लगता। और मेरा तो दिल इतना खट्टा हो गया है कि भाई मैं तो पार्टी में काम ही नहीं करना चाहती, मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ कि मैं तो इस्तीफा दे के घर बैठना चाहती हूँ आराम से।